तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आपने मेरा पिछला वाला वीडियो तो देखा होगा, नहीं देखा तो आई ऑप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाके देख सकते हो। और वो वीडियो आज हम करने वाले हैं बड़े पैमाने पर, तो बहुत ही मजा आने वाला है। तो ये हमारे पास सिल्वर पेपर है और ये एक 5 लीटर की बोतल है और ये हमारे पास कास्टिंग सोडा है। और इसका मैं क्या करने वाला हूँ आप लाइव देख लो, अगर मैं अभी आपको बता दूंगा तो आप स्किप कर लोगे, मुझे पता है। तो यार वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो और ऑल पे सेट कर दो ताकि मेरे सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलो यार करते हैं बिना कोई देरी के स्टार्ट। तो ये हमारे पास 5 लीटर की बोतल है, तो चलो अभी आपको दिखाते हैं इसका खतरनाक धमाका। तो पहले मैं इसके अंदर ये हमारा कास्टिंग सोडा, नहीं कास्टिंग सोडा नहीं डालेंगे, पहले हमें ये एल्यूमिनियम फॉइल इसके अंदर डालना है ढेर सारा। मैं ढेर सारा इसके अंदर डाल लेता हूँ। उतना सारा सिल्वर फॉइल इसके अंदर डाल देंगे हम। ये बहुत ही ज्यादा रिस्की है, आपको ट्राई नहीं करना है ये। हम तो ये मैंने डाल दिया इसके अंदर सिल्वर पेपर और अभी डालने वाला हूं मैं ये कास्टिंग सोडा इसके अंदर। पहले मैं इसको बारीक कर लेता हूं यार, अभी इसके अंदर डाल दूंगा। ये मैंने सारा इसके अंदर कास्टिंग सोडा डाल दिया है, अभी इसके अंदर ट्विस्ट, अभी डालना है इसके अंदर पानी और फिर हम ढक्कन लगा देंगे इसके ऊपर और इसके अंदर जो रिएक्शन होगा वो बहुत ही कमाल का होगा यार, बहुत ही अमेजिंग। आपका ध्यान इस बोतल के ऊपर होना चाहिए, बहुत ही खतरनाक रिएक्शन होने वाला है इसके ऊपर। तो भाई साहब चलो डालते हैं इसके अंदर पानी। से रिक्वेस्ट है कि आप ये घर पे ट्राई करने की कोशिश मत करें। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो यार एक लाइक शेयर और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका भाई यार इतना मेहनत करता है, प्लीज यार गाइस सपोर्ट करो यार। तो चलो मैं डालता हूँ इसके अंदर पानी। अभी इसके अंदर रिएक्शन होना चालू हो चुका है, तो अभी मैं साइड में हो जाता हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तो आप देख सकते हो, देखो ये रिएक्शन होना स्टार्ट हो गया है। इसके अंदर एल्यूमिनियम और कास्टिंग सोडा मिक्स हो गए हैं, अभी इसका रिएक्शन इतना खतरनाक होने वाला है और इसके अंदर एक गैस बनने वाली है, उसके कारण ये ब्लास्ट होगा। ये देखो यार ले।
आप इसका रिएक्शन देख सकते हो कितना खतरनाक है। ये देखो यार, ये देखो इसके अंदर रिएक्शन देखो कितनी कितनी खतरनाक से हो रहा है। और इसके अंदर ये है जो ये हीलियम गैस है जो कि बहुत ही हल्की होती है। ये गुब्बारों में या जो मैंने आपको पिछली बार बोला था कि ये जो एरोप्लेन के टायर आते हैं उसमें भी ये गैस भरी जाती है। अभी बहुत ही ज्यादा हल्की और बहुत ही ज्यादा गर्म है यार। देखो अभी तक इसकी गैस निकल रही है। ये हमारी बोतल भी पतली सी हो चुकी है एकदम सिकुड़ के, लेकिन इसके अंदर रिएक्शन अभी तक हो रहा है। अगर ये हमारा जो ढक्कन है ये अगर इसका टाइट होता तो इसके अंदर देखने लायक होता, ये बहुत ही खतरनाक इसको ब्लास्ट कर देता हो और ये बोतल फट जाती। तो यार अभी हमारा क्या, ये ढक्कन जो लूज था इसके कारण फिर भी इसके अंदर रिएक्शन देखो ये बहुत ही ज्यादा गर्म हो चुकी है एकदम। गाइस ये बाहर निकाल के दिखाता हूँ, देखो बस अब बहुत ज्यादा, ये देखो यार बहुत ही ज्यादा गर्म है। हमने कितना सारा एल्यूमिनियम डाला था, एल्यूमिनियम ये देखो एल्यूमिनियम पूरा का पूरा इसके अंदर एसिड बन गया और एसिड बन के ये देखो एल्यूमिनियम इसके अंदर पिघल गया। इससे जो गैस निकलती है वो बहुत ही ज्यादा हल्की होती है यार, जो कि हमने उड़ने वाले गुब्बारे आपने देखे होंगे उसके अंदर यही गैस आता है जिसको हम हीलियम बोलते हैं। और जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। yeah!